चिड़िया उड़ उड़ के रह जाए, चिड़िया उड़ उड़ के रह जाए। बाबुल का घर भूल न पाए, बाबुल का घर भूल न पाए, चिड़िया उड़ उड़ के रह जाए, चिड़िया उड़ उड़ के रह जाए। अस्थाई तो बहुत अच्छी बन गई बेटा, अब जरा अंतरे के मुतालिक सोचो। अंतरा जी। अबू फॉर गॉड सेक, अब तो ये शोर बंद कर दे, सारी रात नहीं सोने दिया। ओ बेटा, धुन तो बन गई है। रफी, चाय लाओ मेरे लिए। अच्छा जी, मैं चलता हूं। बेटा धुन तो याद है ना तुम्हें? जी भला, ये धुन कौन भूल सकता है। अच्छा तो अब ऐसा है कि पहले जरा फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता करके फिर फ्लैट पे जाना है। जी बेहतर, चल। अस्सलाम वालेकुम ताहरा बिटिया। अस्सलाम वालेकुम कत्थक दा। आप वहीं से आ रहे हैं ना ब्याह के घोंसले देखकर? कत्थक दा, मैं अक्सर देखती हूँ आप सुबह की सैर के वक्त उन दरख्तों के पास जरूर रुकते हैं जिससे ब्याह के घोंसले हैं। क्या देखते हैं आप उन घोंसलों में? ताहरा बिटिया, भाई तुम्हें कहानियां सुनाते सुनाते मेरे बाल सफेद हो गए, लेकिन तुम्हारी उम्र में एक दिन का इजाफा नहीं हुआ। नहीं आप बताएं ना, आखिर क्या देखते हैं आप उन घोंसलों में? अरे बिटिया, इन घोंसलों को देखकर मुझे तुम्हारा बाप याद आ जाता है। घोंसलों को देखकर आपको मेरे अब्बू जान क्यों याद आते? बिटिया ये जो ब्याह है ना, ये बड़ा अजीब परिंदा, ये हमेशा दो घर बनाता है, एक असली और एक नकली। नकली घर बनाता है ये दुश्मन को धोखा देने के, और असली घर बनाता है आधा। फिर कोई मादा बिया इस आधे घर को देखकर अपने हिस्से का तिनका इसमें लगा देती है, फिर ये दोनों मिलकर उस घोंसले को बनाते हैं। मादा बिया अंडे देती है, कोई और बिया उसी घोंसले में अपने हिस्से का तिनका लगा देती है, और फिर ये नर ब्याह अपने नए जीवन साथी के साथ उस घोंसले को तैयार करना शुरू कर देता। अच्छा तो ब्याह को देख के आपको अब्बू जान इसलिए याद आते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी की है ना? तो गोया अब तुम भी अलामती बातें समझने लग पड़ी हो। नहीं बताए ना, आपका इशारा मेरी दूसरी अम्मी की तरफ है ना? लेकिन एक बात है कथक दा, मैं बहुत अच्छी। अच्छा, और अता के बारे में क्या ख्याल है? कौन अता? अच्छा, कौन अता? दा प्लीज। मुझे पता है, जब अता के गले में आवाज की किरणें झिलमिलाती हैं तो तुम्हारे चेहरे पर कहीं कहीं शबक के रंग डोल डोल जाते हैं। ना मैंने कहा ना प्लीज। कहो तो तुम्हारी मामा को बता दूं क्या? अच्छा बता देता हूँ। ना क्यों तंग कर रहे हैं? ताहिरा, कथक दा क्या बातें हो रही हैं? अंदर आइए ना आप। भाई आ रहा हूँ बेटी, ये ताहिरा बिटिया ने रोक लिया था, कह रही थी कि मुझे पता है इसने कोई ना कोई कहानी सुनने के लिए रोक लिया होगा। आप अंदर आइए ना भाई, मेरा ख्याल है सादिक तो अभी सो रहा होगा।
हाँ रात भर पियानो था वो थे और आता, मगर आप अंदर आइए ना। नहीं मैं नहीं, मैं चलता हूँ, कुछ नए थोड़े हाथ लगे हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कहो तो तुम्हें भी सुनाओ। अरे सुन लो, सुबह सुबह अच्छे होते हैं। जगत गुरु जगतम कथई त्राम थई त्राम थई त्राम था। और अभी तो मुझे उस हीरोइन को भी रट्टा लगवाना है। आप उसी फिल्म की बात कर रहे हैं ना जिसका म्यूजिक सादिक दे रहे हैं? हाँ वही है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। जी वो मंटू साहब की तरफ से खाना खाकर लौटेंगे। अच्छा ये तो और भी अच्छा हो। हेलो सलाम आंटी, शायदा निकली कि नहीं अभी तक? अच्छा क्यों डरा रही है मेरी अम्मी को? नहीं नहीं आंटी दोनों पहुंच गई हैं, शायदा भी और आपदा भी। जी जी सलाम। इतनी देर? चलो जी मैं भी इजाजत चाहूंगा जी। तो यहाँ कौन रहेगा खाली घर में? जी क्या मतलब? मतलब ये कि हम तीनों फिल्म देखने जा रही हैं और आप अबू अम्मी के आने तक यहीं बैठेंगे, और उन्हें ये नहीं बताना कि हम फिल्म देखने गई हैं, बल्कि कहिएगा जब भी वो आए कि बस अभी एक सेकंड हुआ है वो तीनों निकली हैं शॉपिंग करने, और अगर इन दोनों के घर से फोन आए तो भी यही कहना है, समझ गए? जी समझ गए जी। चलो यार ठहरो मेरा बैग। ये रख लो। क्यों मम्मी? सारे पैसे तो तुम खर्च करके लौटी होगी, रख लो। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 रुपए ही तो हैं, ले लो। चले रख लेती हूँ। बात बताऊ मम्मी? मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी, आखिर को तुम्हारी माँ हूँ। क्या हुआ? सारे पैसे तो शायद और आपदा ने खर्च किए थे, मुझे तो उन्होंने पर्स भी नहीं खोलने दिया था। चलो कोई बात नहीं, रख लो। हाँ रख लो। थैंक यू। चलो अब तुम आराम करो। गुड नाइट।
मैंने आज तुम्हें देखा तो यूं लगा जैसे मैं किसी मुसव्विर की एक शाहकार तस्वीर को देख रहा हूं। मुझे यूं लगा कि पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, लेकिन एक तुम हो जो अपने वजूद से बेखबर हो। तुम मुंह धो रही थी तो यूं लगा कि जैसे साबुन के बुलबुलों ने एक जालीदार नकाब बुनकर तुम्हारे चेहरे को मुझसे छुपा लिया था, और फिर तुमने पानी के एक ही छपाके में बुलबुलों का यह नकाब बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ डाल दिया। पानी की नन्ही नन्ही बूंदें छोटे छोटे सूरजों की तरह तुलू हुई और फिर कतरा कतरा पिघलने लगी, टपकने लगी, और तुमने यक बार भी पलट कर मुझे देखा और एक लम्हे के लिए यूं ठिटकी कि मुझे यूं लगा कोया कुछ कुछ बनते बनते यकदम रुक गया। मैं वो नुक्ता तलाश करता रह गया जहां उसने फितरत और उसने बशर आपस में गटमट होना शुरू हुए थे। ताहिरा, पिशावर में एक औरत ने जिसे मेरी सतेली मां होने का शरफ हासिल है मुझे मार डाला। लाहौर में एक नादान सी लड़की ने जो मेरी कुछ भी नहीं थी मुझे जिंदा कर दिया। लाहौर में एक नादान सी लड़की जो मेरी कुछ भी नहीं थी मुझे जिंदा कर डाला। कुछ भी नहीं थी तो आप क्या हूं? देर से आया हुआ हूँ मगर अता अपनी धुन बनाने में इतने मगन थे कि उन्हें मेरे आने का भी पता न चला। वैसे धुन तुमने बहुत अच्छी बनाई। अरे नहीं भाई, ये इसी ने सुझाई है। अता मर्दे जी, बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा भाई, चले तुम्हारा नया बंगला देखने? चलो। अता ऐसे करना, तीन चार दफा उस धुन को रिपीट कर दो। जी हम अभी आते हैं। जी बेहतर। अच्छा
मामा वो कथक गाने ब्याह की कहानी सुनाई थी ना? हाँ मैं जानती हूँ ब्याह की कहानी। ब्याह का घोंसला ब्याह की मादा पूरा करती है ना? हाँ करती है। क्यों करती है? बस करती है। क्यों करती है? उसकी मजबूरी। बताए ना क्या मजबूरी? तुम नहीं जान सकती, तुम अभी बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूं। कोई ब्याह घर बनाकर चहचहाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है। कौन है? है कोई? वही जिसकी पोरे यानों पर गुलाब की पत्तियों की तरह बरसती हैं। आपको कैसे पता? औरत हूं मैं और सबसे बढ़कर सुतेली ही सही, लेकिन तुम्हारी मां भी हूं। तो ये है आपका नया घोंसला भाई सादिक। मकान बहुत ही खूबसूरत बनवाया है। हाँ ये मैं अपने लिए नहीं बनवा रहा। अच्छा हाथ पढ़ो। कबला और काबा सादिक साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं सूबे सरहद में तंबाकू की सबसे बड़ी आढ़त का मालिक हूँ और मैंने अपने बेटे के लिए फलों की सबसे बड़ी आढ़त का बंदोबस्त किया है, मगर वो अपने शौक के ताकुब में मुझसे बहुत दूर निकल गया और आपके बहुत करीब आ गया। अब मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने की जसारत कर रहा हूँ। आप मेरे बेटे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर किसी वजह से आपका रिश्ता मंजूर ना हो तो मुझे लिख दें। फक्त आपका भाई विलायत यजदानी। तो क्या सोचा आपने? वैसे आपका क्या मशवरा है? भाई सादिक, अता यजदानी का आइडियल आप है। क्या आप अपनी बच्ची का हाथ ऐसे लड़के के हाथ में देना पसंद करेंगे जो आपकी राह चलना चाहता हो? जवाब इस बात में लहजा सवाल जैसा। वाह बहुत क्या जवाब दिया है। कैसे? आंखें जो बंद कर लेते हैं गाना गाते हुए, वो दरअसल आपसे वो गर्व नहीं देखा जाता ना जो सुनने वालों के चेहरों पर होता है। ईमान से बहुत हसास हैं आप।
वो घटिया खत आपने लिखा था? जी। देखो तारा, मैं ये जुर्रत कभी भी ना करता अगर मुझे तुमसे ताल्लुक महसूस ना हुआ होता। अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब तुम जानती हो या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं। और सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। मैं तुम्हें खुशबू की तरह मुट्ठी में भर लेना चाहता हूं। मैंने तुम्हें चाहा है, चुरा तो नहीं लिया। तुम मुझे चुराओगे? इतनी हिम्मत है तुम में? तुम और मुझे चुराओगे? तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, मुझे अच्छी लगती है। कुछ कहो ना। तुम हंसती हो ताया, जब तुम हंसती हो तो यूं लगता है जैसे जैसे सारी दुनिया मुस्कुरा उठी हो। मेरे चारों तरफ तुम्हारे तबस्सुम की फसीलें खड़ी हो जाती हैं। इन फसीलों में आबाद मुझे अपना आप एक अरास्ता परास्ता शहर लगता है जिसे जिसे तुम्हारी आमद के इंतजार में सजा रखा हूं। मुझे तो लगता है सादिक भाई जिंदा ही तायरा के लिए थे। वो अपने घर की हो गई तो सादिक भाई अपने घर को हो लिए। भाई कहते थे कि ये लड़का शुद्ध है, खालिस है। ये जो भी बंदिश मुझे सुनाता है उसमें कोई मिलावट नहीं होती। इसके मिजाज में कोई नाखालिसपन नहीं है। अब ये देखें कि सादिक के मरने के बाद भी ये उसकी फिल्मों की म्यूजिक इस इनमार से बना रहा है जैसे जैसे सादिक की रूह लूट कर गई उसके अंदर। बस एक ही कमी रह गई उनकी जिंदगी में, औलाद से महरूम रह गए बेचारे। सफिया बेगम, माँ बाप की जिंदगी में औलाद का ना होना कुछ इस तरह है जैसे जैसे इंसान के पांव तले जमीन ना हो। लता, याद है शादी से पहले मैं कितना सोचा करती थी? मैं अपने पहले बेटे का नाम टूटू रखूंगी। पता है उसका नक्शा कैसा है मेरी आंखों में? कैसा? बेहद गोरा, नीली नीली आंखें, हंसते होंठ
और रुई की तरह नरम हाथ पांव। और वो मुझे मामा कह के थोड़ी बुलाता है। तो तारा, तारा कहता है मुझे। उसके जिस्म से एक खास तरह की खुशबू निकलती है। कहाँ है वो? बालकनी में ना चला गया? तारा यही है वो, यही है। आ जाओ इधर। यही तो था अभी। हाँ यही है वो। चलो आज तुम ऐसा करो कि आज कोई बहुत अच्छा सा खाना पकाओ, फर्स्ट क्लास का, और मैं शाम 8 बजे तक रिकॉर्डिंग करके वापस आता हूँ। किसका खाना है? मिस रोजी का। फिर मिस रोजी का? तुम्हें इस पूरी दुनिया में कोई और गाने वाली नहीं मिलती? वो क्या तारा कि मिस रोजी की आवाज में एक खास तरह का लोच है। खास तरह का लोच है? हमेशा बीवी बनकर नहीं, कभी दोस्त बनकर भी सोच लिया करो। और मैं जा रहा हूं, मुझे बहुत देर हो रही है। आज मैंने टूटू को देखा। हाँ हाँ, और उसकी आवाज भी सुनी मैंने। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी कि उसके उससे एक खास किस्म की खुशबू आती है, चमेली के फूलों जैसी ना। हाँ मगर तुम्हें कैसे पता? माँ हूं उसकी। मुझे नहीं पता होगा तो तुम्हारी इस थर्ड क्लास कोरस सिंगर को पता होगा, जिसे मुख्तार बेगम बनाने की कोशिश में तुम दिन रात लगे हुए हो। For God's sake, मैं टूटू की बात कर रहा हूं और तुम छलांग लगाकर कहां पहुंच गई हो? वहीं जहां तुम रहते हो। अतः तुम मेरे साथ होने के बावजूद 24 घंटे वहीं रहते हो। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूं। क्या मुझे टूटू का ख्याल ना होता, पता नहीं मैं क्या कर डालती। अगर मैं मर गई तो तुम टूटू को अकेले संभाल पाओगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अपने मरने की बातें करती रहती हो खामखा। सो जाओ प्लीज, और मत भूलो कि टूटू हमारी ख्वाहिश और ख्वाब के दरमियान अटकी हुई एक हकीकत है, इसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, छू नहीं सकते। तुम नहीं छू सकते होगे, मैंने तो उसके सांस की आवाज तक सुन ली। वो मेरे साथ उठता बैठता सोता जागता है। तुम क्या समझती हो कि उसके बारे में फील नहीं करता? करता हूं, तुमसे बहुत ज्यादा करता हूं। और तुम मिस रोजी के बारे में कुछ नहीं कहोगी, वरना अच्छा नहीं होगा। देखा, इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब उस बेसुरे बाजे जैसी आवाज वाली मिस रोजी की बात को टूटू के जिक्र ने खत्म कर दिया था, फिर क्यों लिया तुमने उसका नाम? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो आप? इसलिए कि तुम्हें गलतफहमी हो रही थी। नहीं, इसलिए कि वो 24 घंटे तुम्हारे दिलो दिमाग पे सवार रहती है। और खबरदार आइंदा, अतः तुमने टूटू की खातिर मुझसे झूठी मोहब्बत के दावे किए तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
3:30 बज गए हैं, खाना खा लीजिए। रात को खट्टी डकारें आएंगी तो आप शिकायत करेंगे। आप वक्त पर खाना क्यों नहीं खा लेते? आज तक मैंने जिंदगी में कोई काम वक्त पे किया है कभी? अब ये देखिए सफिया बेगम, सादिक की जिंदगी में मैंने उससे वादा किया था कि उसकी जिंदगी पर एक कहानी लिखूंगा। आज सादिक को मरे कितना अरसा हो गया, नहीं लिख सका कहानी। आपको ऑल फॉल चीजों से फुर्सत मिले तो कहानी लिखने बैठे ना आप। अच्छा, मैं तायरा के घर जा रही हूँ उसे मिलने के लिए, काफी दिन हो गए मैं उसे मिली नहीं। अब वो बच्चे गई हैं, शादीशुदा हैं। आप काम का चल दी कबाब में हड्डी बनने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नौशीन नहीं है काफी दिनों से। वैसे भी वो लोग बहुत तवक्कुआत रखते हैं हमसे। आपको तो कागज कलम और दोस्तों से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। शहर का शहर अजनबी रहता, शहर का शहर अजनबी रहता, शहर का शहर अजनबी रहता, काश करता गुफ्तगू भी, काश करता गुफ्तगू भी। खो न दे अपनी कितना अच्छा गाते हो। काश मैं ये बात तुम्हारे बारे में भी कह सकता। तुम कह सकते थे अगर तुम भी मेरी तरह परले दर्जे के छूटे होते। और वो मैं नहीं, पर मैं तो हूँ और मेरा टूटू भी। ना मेरा टूटू का, वो मेरी तरह खरा सच्चा है। दिल रखता है वो लोगों का मेरी तरह झूठ बोल के छूटे। झूठा कौन, मैं? हाँ हाँ हाँ, मेरा तुम्हारे साथ निभा नहीं हो सकता। तो मत करो निभा, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ। मैं तो टूटू की बात कर रही थी जो सिर्फ मेरा मेरा रहेगा। टूटू सिर्फ तुम्हारा है? पोता है वो, पोता पिशावर के सबसे अमीर आदमी वलाद यजदानी का। नवासा है नवासा, इस मुल्क के सबसे बड़े आर्टिस्ट का। दादा सब कुछ, नाना कुछ ना। दादा सब कुछ, नाना कुछ ना। पको मत, नाना सब कुछ, दादा कुछ ना। दादा सब कुछ, नाना सब कुछ। दादा सब कुछ, नाना सब कुछ। दादा, नाना, दादा, नाना, दादा, 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 दादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है? खैरी है। तायरा, अता ने तो कुछ नहीं कहा। वो क्या कह सकता है, बड़ा बना फिरता है साहिब तर्ज मौसीकार। कहीं कोई चक्कर तो नहीं चला बैठा? मुझे क्या पता, उसी से पूछिए जिसके पास मुझसे बात करने का भी वक्त नहीं। हर वक्त रिहर्सल, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग, रिहर्सल। लगता है शादी भी उसने एक रिहर्सल के तौर पे की थी। नहीं तायरा, ऐसी कोई बात नहीं, अता बहुत अच्छा लड़का है। सफिया बेगम, ये अता और ताहरा जो है ना, इनके इश्क में एक आंच की कसर रह गई है। और इनका इश्क कोई ड्रामाई मोड़ काटे बगैर किनारे लग गया है। अब ये दोनों मुहिम जो
अपनी शादीशुदा जिंदगी में शादी से पहले वाली हरारत पैदा करने के लिए ये सब कुछ करते रहते। तो क्या बुरा करते? ड्रामा, फ्रॉड, फ्रॉड और कुछ ही। आपने कम ड्रामे किए मेरे साथ, पता नहीं ये मर्द लोग इतने ड्रामेबाज क्यों होते हैं। सफिया बेगम, एक बात बताओ, मगरमच्छ के आंसू औरतें बहाती हैं। आप जाइए, मेरा मुंह न खुलवाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरी कोई बात बुरी लगी थी? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात कम से कम बुरी नहीं लग सकती। बुरी लगनी चाहिए, अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं तो बुरी लगनी चाहिए। देखो तायरा, अगर अगर तुम मुझे गलत बात करने से रोकोगी नहीं, गलत रास्ते पर जाने से रोकोगी नहीं, तो टूटू भी गलत रास्ते पर चल निकलेगा और मैं मर जाऊंगा, लेकिन टूटू को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तो फिर एक वादा करो। क्या? आइंदा उस फिल्म में म्यूजिक नहीं दोगे जिसमें मिस रोजी गाना गाएंगी। ला हौला वला कुव्वत। देखा, पता था मुझे। प्लीज तायरा, प्लीज, एक जेलेसी की भी हद होती है। तो तुम भी अपने पांव चादर से बाहर मत निकालो ना। अब्बा जिंदा होते तो मैं देखती। क्या क्या देख लेती तुम? बताऊं? तायरा प्लीज प्लीज, देखो टूटू क्या सोचेगा कि उसके माँ बाप हम कितने बोगस हैं जो उल्टी सीधी बातों पे लड़ते रहते हैं। ईमान से आता, अगर टूटू हमारे दरमियान ना हो, हम तो एक दूसरे को चीर फाड़ डालें। पता नहीं कितने साहिब औलाद लोग हैं जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी अपनी औलाद के लिए गुजार देते हैं। फिर ये मेरे कागजात को इधर उधर क्यों रख दिया जाता है? चूल्हे में नहीं झोंके आपके कागजात, ये मैं ही हूँ जिसकी वजह से आपके ये कहानियां रिसालों में छप जाती हैं। वरना आपका बस चले तो एक कहानी भी किसी रिसाले में ना छपे। मैं तो आपके कागज का एक पुर्जा भी संभाल के रखती हूँ जिसपे आपने कोई लफ्ज लिखा भी हो। और कसम से मैं तो सुबह किस मेज के पास आई भी नहीं। आप मेज के पास नहीं आई हैं तो आपको फिर मालूम भी नहीं, तो फिर किसको मालूम है, बताइए। आप उसी से पूछ लीजिए ना जिसके लिए आपने कहानी लिखी। अरे भाई, कहानी नहीं लिखी है, पूरे 6 के 6 सीन लिखे हैं। डायरेक्टर के 3 फोन आ चुके हैं, शूटिंग जारी है वहाँ। अब मैं वहाँ जाकर स्टूडियो में क्या दूंगा? आप रात को वो सीन लिख रहे थे? जी, भाड़ झोंक रहा था। मैं समझी दोस्तों को बुला रखा है और गर्मा गर्म बहस हो रही है। हेलो ताहिरा बेटी, कैसी हो? अच्छा, मुबारक हो। हाँ भाई, हम तुम्हारी शादी की सालगिरह पर नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? हाँ, हम जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। ओके जी, खुदा हाफिज। हेलो अता, कब आ रहे हो? क्या मतलब है, तुम्हें याद ही नहीं? आज हमारी शादी की सालगिरह है, 3री। उफ, वो मैं एक्चुअली रिकॉर्डिंग में फंसा हुआ हूं। तो जल्दी खत्म करके आ जाओ, मैंने सफिया आंटी और सादत अंकल को भी बुला रखा है। लेकिन मैं नहीं आ सकूंगा। क्या मतलब है? बाबा तुम समझ नहीं रही हो, रिकॉर्डिंग शिफ्ट है मेरी। किसका गाना? गाना मिस रोजी का। फिर वही मिस रोजी,
गाना है या? गाना है बाबा, गाना है। सॉन्ग, गीत, फिल्म का गीत। तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही हो। पर तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते। जो शख्स अपनी शादी का दिन भूल सकता है वो क्या नहीं कर सकता था यज़दानी? तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत की जा सके। मत आना घर, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर, तुम्हारी मौसीकी पर, मिस रोजी पर और सालगिरह के दिन पर। खुदा हाफिज। सादत, इस दफा मामला सीरियस मालूम हो रहा है। बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन आप मुझसे शर्त लगा लीजिए कि कुछ भी नहीं होगा, यानी पागलपन की इंतहा देख। दोनों ही सर फिरे हैं। जी हजरत, कौन? मैंने बताया नहीं ताहिरा का टेलीफोन आया था? ओह, कोई नया झगड़ा मालूम होता है। क्या ख्याल है, चले उनकी तरफ? हाँ चले, आइए। भाभी भाभी, बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है, इसकी एक ना सुनिएगा आप। अता, ये कोई तरीका है बीवी से मुखातिब होने का? भाभी लो, तुम अपनी बात सुना लो। ये देखा आपने मुंडू साहब? देखा 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 ना, तो अब बताए मैं क्या करूं, किधर जाऊं मैं? करो ये कि चुप हो जाओ, और जाना कहाँ है, बैठो वहां। ओहो भाई, वही पुराने गिले शिकवे ताने मैंने, पुरानी लाशें नए मुर्दे। भाई सब कुछ देख लिया है, सब कुछ सुन लिया है। ये एक्ट्रेसों के साथ घूमता है ना? एक्ट्रेसों के साथ नहीं, सबसे वाहियात सिंगर मिस रोजी के साथ। तो ये हुई ना बात, अब निकल आई ना नोक पलक लड़ाई की। तुम्हें ये एतराज है कि ये एतराज वैतराज को छोड़ो। अता, गलती सरासर तुम्हारी है, अपनी बीवी से माफी मांगो और किस्सा खत्म करो। ये देखें, पाओ 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 आगे कर रही है, पाओ आगे कर रही है, ताकि मैं इसके पाओ पकड़ के इससे माफी मांगू। वाह 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 भाभी, क्या फैसला किया है आपने, ये किस्सा इस तरह खत्म नहीं होगा। मंडल साहब, मैं इस औरत की काफी देर से बकवास सुन रहा हूँ, आप यकीन करें कि एक लफ्ज मैंने मुंह से नहीं निकाला। ओहो भाई, तुम लोग चाहते क्या? आखिर इस झकझक का कोई अंजाम तो होगा। भाई मेरा तो ये ख्याल है कि अगर तुम दोनों में निभ नहीं सकती है तो कुछ दिन के लिए अलहदगी इख्तियार कर लो। हाँ ताहिरा, तुम एक हफ्ते के लिए हमारे घर चलो, दोनों अलहदा रहोगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं अलहदगी नहीं, अलहदगी नहीं, तलाक तलाक। तलाक तो देते क्यों नहीं हो तलाक? मैं कौन सा पाँव पड़े जा रही हूँ कि ना दो मुझे तलाक? देता हूँ देता हूँ, और अभी दूंगा तुम्हें दो लाख में। आज ही दो, आज ही। ये सुन लिया, अभी देता हूँ मैं तलाक में। कल साहब को फोन करता हूँ। आता आता आता, ऐसा मत करना प्लीज। आता अंकल, मत रोकिए आप इसे। क्या बकवास कर रही हो ताहिरा तुम? ये बकवास तो तलाक से ही बंद होगी। ये सुन लिया आपने, मुझे तलाक दे के बाहर से बिहार जाएगा। बस पंडित साहब, पानी हद से गुजर गया है, सर से गुजर गया पानी। अता अता, बात सुनो बात सुनो। अता, अगर तुमने ऐसा किया मैं तुम्हें उम्र भर माफ नहीं करूंगा। हाँ बस बस करो। रहने दे, इस आदमी के पहलू में दिल नहीं पत्थर है। मैं शादी से पहले वाले खत दिखाऊंगी जिसने मुझे लिखे थे, तब तो मैं इसके दिल का करार थी। मेरे बाप की मौसीकी से भी इश्क था इसे। बड़ा फखर था ना तुम्हें, कितना बड़ा आर्टिस्ट तुम्हें अपनी दामादी में कबूल कर रहा है। आज तो उसका भी कोई ख्याल नहीं इसको। देख रहे आप, काजी को फोन कर रहे हैं मुझे तलाक देने के लिए। आता बस बंद करो ये प्लीज, बस। मेरा क्या, टूटू का भी कोई ख्याल नहीं? ना ना लेना टूटू का। क्यों ना लूं ना? क्योंकि वो मेरा है, मेरा। जब मैं तुम्हारी नहीं तो टूटू तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम नाम भी नहीं ले सकते उसका। कर लूंगा मैं बंदोबस्त सारा। क्या करोगे, छीन लोगे टूटू को मुझसे? हाँ। जालिम। बस बस करो ताहिरा। क्या है तुम्हें ताहिरा? ताहिरा, हाय बेहोश हो गई। ताहिरा ताहिरा, होश करो, मैं पानी लेके आता हूँ। डॉक्टर फोन करो। हेलो, तुम्हारी लड़ाइयाँ सारी जिंदगी खत्म नहीं होंगी। मैं पता बोलो, ताहिरा को कुछ हो गया डॉक्टर साहब, बेहोश हो गई प्लीज। ताहिरा ताहिरा, होश करो ना। ताहिरा ताहिरा, बेहोश पड़ी थी। ताहिरा ताहिरा, उठो ताहिरा प्लीज। I'm sorry, Tahira. Tahira, देखो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा Tahira. Tahira, मैं मर जाऊंगा Tahira. Tahira. टूटू, हाँ हाँ टूटू, टूटू टूटू तुम्हारा है, तुम्हारा है Tahira. तुम्हारा नहीं Tahira,
मैं भी तुम्हारा हूं, तुम मेरी हो, टूटू भी तुम्हारा है, मेरा भी है। टूटू हम दोनों का, हम दोनों का। सफिया, ये टूटू कौन है? इनका लड़का है। क्या लड़का? कब हुआ? अभी हुआ कब है? चौथे महीने से है। कौन था? अता का फोन था। फिर कोई नई लड़ाई है? ताहिरा के यहाँ लड़की हुई है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वो भी मरी हुई। सोच रही हूँ अब अता और ताहिरा की लड़ाई हुई तो उसे कौन टूटू चुकाएगा।